हे गाइस, वेलकम टू द अरेंज मीडिया। गाइस, तो मेरी तरफ से सब लोगों को पहले नमस्ते। और मैं सबसे पहले आंसर देना चाहूँगा प्रतीक सिंह ठाकुर का कि गेम बिट मूवी कब आ रही है। तो मैं आपको बता दूँ, 2017 और 18 की दिसंबर तक कोई गेम बिट की मूवी नहीं आ रही है। मुझे मालूम है आप लोगों का रिएक्शन बहुत गंदा होने वाला है, बट आपके लिए खुशखबरी है, आप गूगल पर एनी जाकर एक्समैन अपोकलिप्स सर्च मारिए और नीचे कास्ट पर जाकर ड्रैग कर सर्च करिएगा तो कोने पर सबसे गेम बिट दे रखा है। आपने देखा होगा कि एक्समैन अपोकलिप्स में तो आपने गेम बिट देखा ही नहीं। तो गाइज, ये हमारे लिए एक स्पॉइलर है कि गेम बिट मूवी बनेगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गेम बिट की आती है तो मैं आपको सबसे पहले जरूर बताऊंगा। एंड ये मूवी 2019 में एक्सपोर्ट्स के बाद रिलीज होगी, ये तो कन्फर्म है। अब बात करते हैं एक्समैन अपोकलिप्स की। आपने लास्ट ईयर मूवी देखी होगी एक्समैन अपोकलिप्स, जो काफी कंफ्यूजन कर चुकी थी, क्योंकि उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में आपने देखा होगा कि एक्समैन की टीम दोबारा बनाई गई, जबकि ऑलरेडी वो टीम थी। तो इस मूवी में क्या हुआ ऐसा हटके, इसकी स्टोरी कंटिन्यू कौन करेगा? आपने लास्ट ईयर एक और मूवी देखी होगी लोगन, जिसमें प्रोफेसर एक्स मर चुके थे और ये अलग टाइम की अलग डायमेंशन की मूवी थी। ये मूवी ने काफ़ी कन्फ्यूजन करा। उसके बाद रिलीज हुई डेडपूल, तो डेडपूल भी कुछ अलग हटके मूवी थी, क्योंकि वो किसी डायमेंशन से मिल नहीं खाती थी और एक्सप्लेन नहीं करती थी। तो फाइनली फॉक्स कंपनी ने अनाउंस करा है कि वो न्यू मूवी बना रही है एक्समैन की, जिसका नाम रखा गया है एक्समैन द न्यू म्यूटेंट्स। ये मूवी सबसे अलग अटकी होगी और एक्समैन की सबसे कंफ्यूजन मूवी होगी, और उसमें जो कैरेक्टर होंगे वो आपने कभी एक्समैन की मूवीज़ में नहीं देखे होंगे, अलग पावर्स के होंगे और कुछ अलग अटके ही होंगे। एंड इस मूवी को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बनाने वाली ये है कॉमिक। ये मूवी कॉमिक पर ही आधारित होगी और इसके विलन्स कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि अगर न्यू म्यूटेंट्स आ रहे हैं तो उन्हें संभालने वाला कोई टीचर भी होना चाहिए। तो प्रोफेसर एक्स की गाइस रिटर्निंग हो रही है, इनकी स्टोरी भी अभी अधूरी रह गई है। मूवी में एक नया विलन आ रहा है जो कॉमिक बुक पे आधारित है, और ये एक भालू टाइप का है जो जंगलों में रहता है, पर ह्यूमंस लेंगे या भालू लेंगे अभी ये कंफर्म नहीं है। और ये मूवी एक्समैन की फैमिली को कंप्लीट करेगी, जो अलग अलग टीमों में बांट दिया जाएगा, जैसे कि डेडपूल की टीम अलग है और न्यू म्यूटेंट्स की अलग टीम होगी। और मिनिमम 6 कैरेक्टर तो कन्फर्म है ही है एक्समैन न्यू म्यूटेंट्स में, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो ऑलरेडी। और ये मूवी 13 अप्रैल 2018 को रिलीज़ होगी, जो कि डेडपूल 2 से पहले रिलीज़ हो रही है। तो गाइस, काफ़ी अच्छी बात है। और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में केबल का थोड़ा पोस्ट क्रेडिट सीन होगा, जो कि गेम बिट का एक अच्छा साथी है, और जो एक्सपोर्ट्स के बाद गेम बिट मूवी आना कंफर्म है 2019 में। तो गाइस, मेरे हिसाब से मूवी काफ़ी अच्छी होने वाली है और न्यू म्यूटेंट्स का मुझे इंतजार है, क्योंकि ये एक्समैन एपोकलिप्स के बाद की कंटिन्यू स्टोरी है, फिर उसके बाद डेडपूल 2 रिलीज़ होगी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट शेयर करो, और जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो यार सब्सक्राइब करो, या तो उस पर आग फेंको या कुछ भी करो, बस सब्सक्राइब करो।